गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो क्या होते हैं? द कंपैरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीज़न इज कॉल्ड रेशियो। मतलब कि दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना जो क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड अलग है बट जिनकी यूनिट क्या है, सेम है। इफ़ द हाइट ऑफ द जॉन इज़ 150 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ डेविड इज़ 100 सेंटीमीटर। अगर जॉन की हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर, और डेविड की कितनी है, 100 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या है, दोनों की देखो यूनिट सेम है बट क्या है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में करके, डिवीज़न की फॉर्म में लिख कर इस तरीके से। तो वही बोला गया है। तो देखिए पहले जॉन्स हाइट और डेविड्स हाइट, 150 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर। रेशियो मीन्स एज अ फ्रैक्शन कंपैरिजन बाय डिवीज़न। आप क्या करोगे, डिवीज़न के थ्रू इनको कंपेयर करोगे। सो वी कैन राइट इट एज अ डिवीज़न आल्सो। हम इसको डिवीज़न की तरह भी लिख सकते हैं। जॉन साइड 150 सेंटीमीटर, डेविड साइड 100 सेंटीमीटर, 3:2। जॉन साइड रेशियो डेविड साइड, तो 3:2 आ गया है ना। द सिंबल ऑफ रेशियो इज़, रेशियो का सिंबल क्या है, ये देखिए जो कोलोन लगा हुआ है, ये रेशियो का सिंबल है। एंड द टू क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड इट्स टू टर्म्स। और ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं इसकी, इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। इन अ रेशियो, देखो मैथ्स फैक्ट दिया गया है, इन अ रेशियो द ऑर्डर ऑफ टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो में क्या है कि ऑर्डर ऑफ टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 3:2 लिखा है तो 3:2 लिख दिया आपने, ये करेक्ट है। अगर 2:3 लिखते हैं तो वो भी इसके बराबर होगा, नहीं। इसलिए बोला गया है कि जो रेशियो का ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो 2:3 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो 3:2। जो रेशियो है 2:3, ये अलग है किससे, 3:2 से। जॉन्स हाइट रेशियो डेविड साइड, जॉन की हाइट कितनी है, 3, डेविड की हाइट कितनी है, 2। डेविड साइड रेशियो जॉन्स हाइट, डेविड की हाइट 2:3। टू फाइंड अ रेशियो बिटवीन टू क्वान्टिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, क्वान्टिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स। तो क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है दो क्वान्टिटीज़ के बीच का जो कि एक तरीके के हैं। तो आपको क्या करना होगा, उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होगा। और साथ में सबसे पहले तो अगर वो सेम यूनिट नहीं है उनकी, तो आपको उनको चेंज करके सेम यूनिट करना होगा उनको कंपेयर करने के लिए। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो 5 मीटर टू 35 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर को आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में चेंज करोगे। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 को, रेशियो 35, ये 500 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। जब आप इसको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 100, और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशियो को डिफाइन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। आपको ये अच्छे से पढ़ना है, इन्हें ध्यान रखना है और इस एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।